साथ राशि जैन। आज हमारे बीच मौजूद हैं बलवीर सिंह जाटव जी, जो कि ग्राम पंचायत मूंज जिला इटावा से हैं। आपको बता दें कि इनकी अर्धांगिनी दीपशिखा जाटव ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए बलवीर सिंह जाटव आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं विस्तार से और चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत चुनाव के विषय पर। तो बलवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार का होता है ये चुनाव? मैम, ये चुनाव एक्चुअली क्या है कि जो ग्राम लेवल का होता है, एक पंचायत होती है, उसमें कई सारे गांव जुड़े होते हैं। कहीं चार गांव होते हैं, कहीं पांच गांव होते हैं, कहीं दस होते हैं, कहीं बारह होते हैं। मेरे छोटे गांव मिला के मेरी पंचायत लगभग 29 गांव की है। और वहाँ पे क्या होता है, प्रधान का मेन काम होता है वहाँ पे डेवलपमेंट से, चाहे ये अपना गरीब लोगों को आवास हो या फिर है आरसीसी, जो खरंजे, नाली, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा से, स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जो आपका मिड डे मील हो गया, बहुत सारे विकास कार्य होते हैं इनके, नरेगा, जो आपका मजदूरी मिलती है लोगों को, तो बहुत सारे काम होते हैं इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और ये चाहें तो समाज को, जो गरीब तबका का लोग हैं उनको आपको मजदूरी दे सकते हैं, उन्हें रोजगार दे सकते हैं, जिसमें उनका सही से भरण पोषण हो सके, ये सारा उनका अपना कार्य होता है। आपने, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, साथ ही आपसे भी बात की कि आप अपनी वाइफ को यानी कि अपनी अर्धांगिनी को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं लड़ रहे ये चुनाव, आप क्यों नहीं बने इसके प्रत्याशी? मैम, मैं इसलिए प्रत्याशी नहीं बन रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में। और क्या जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं? मैं लोबो स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मैं बेस्ट यूपी देखता हूँ उसमें। और मेरे पास जो समय रहता है, संडे ऑफ रहता है और कुछ छुट्टियां लेता हूं मैं, तो क्षेत्र में जाके काम करता हूं।
शुरू से बचपन से मेरा रुझान रहा है इस क्षेत्र में सामाजिक काम करने का। और मेरी वाइफ भी जो दीप शिखा हैं वो पढ़ी लिखी हैं, प्रेजेंट में बीएड उनका फाइनल है और उन्हें मैं प्रत्याशी बना के एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं वो, तो सही से ग्राम पंचायत के विकास कार्य और लोगों को अवेयरनेस फैलाने में उसका अच्छा योगदान रहेगा और उन्हें मैं प्रधान का प्रत्याशी बना के और आगे ग्राम पंचायत का प्रधान बनाना चाहता हूँ, जिससे कि महिलाओं को और उन्हें आगे महिलाओं को उत्साहवर्धन होता है और महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले, चाहे सीट वो महिला हो या सामान्य हो, तब भी हम उन्हें ही प्रधान बनाने का कार्य करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बलवीर जी आप अपनी वाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से चुनाव वो लड़ेंगे लेकिन बैकबोन आप बने होंगे। जी मैम। तो कुछ खास भूमिका तैयार की है आपने, जैसे कि हर ग्राम की ये परेशानी है कि हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, इन समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है, तो कुछ इसको लेकर के आपने कोई खास तैयारियां की हुई हैं? मैम मैंने पहले क्या किया, मैंने तो लगातार लोगों की शिकायत थी कि जो भी प्रधान बनते हैं वो बड़े पैसे वाले और मतलब दबंग टाइप के लोग बनते हैं, उसमें सर्व समाज का अपनी बात नहीं रख पाते, सर्व समाज के लोग अपनी पूरी समस्या नहीं रख पाते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं उस टाइम पे, वो दारू और पैसे के लालच में वोट ले लेते हैं और उन्हें कोई गरीब एजुकेटेड शिक्षित प्रत्याशी नहीं मिलता है। मैंने फिर सबसे पहले गांव में जाके गांव-गांव जाके भ्रमण किया, जनसंपर्क किया, वहां जाके देखा है, जैसे मेरे गाँव के अंदर पंचायत के अंदर एक बखर गाँव है और विशेषकर उसमें एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, मतलब यादव समाज के, और प्रधान भी यादव समाज के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी उस गांव के अंदर 10 मिनट बारिश हो जाए मैम तो पूरा भर जाता है, लोग वहां पे अपना सही से जीवन यापन नहीं कर सकते। दूसरा एक गांव में एंड में गांव है नंगला सभी, तो वहां आप देखोगे तो बरसात हो ना हो बर वक्त पानी भरा रहता है, ना नाली है ना खरंजे हैं, और किसी न किसी तरीके से कहा जाता है कि जाति बहुमूल्य क्षेत्र है, लोग गलत हैं, ये लोग गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे यहाँ पे विशेषकर यादव जो समाज है वो सभ्य समाज है, वो सभी से मिलके भाईचारे से लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ एक लोग गलत होते हैं तो उसे जाति विशेष को बदनाम करने का काम करते हैं, उसे लोग कहते हैं वोट नहीं देंगे, जबकि उनका हमें यादव समाज का बड़ी संख्या में हमें समर्थन मिल रहा है, बड़ी एकदम समाज का, और सर्व समाज हमारे साथ है और हाँ हमें उन लोग वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि पहली बार कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारे बीच का गरीब प्रत्याशी आया है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में ही खत्म हो गए थे, मेरे माँ और माताजी और पिताजी लगभग 15-20 साल दोनों लोगों को हो गए हैं, खत्म हुए। उसके बाद मेरा क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी पिताजी खत्म हुए होंगे तो मेरी मैम एज रही होगी 8-10 साल। जब आपके पिताजी गुजरे थे आपकी उम्र 8-10 साल के बीच? जी मैम। तो काफी मुश्किल समय रहा होगा वो तो? मैम मेरा बीच में बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई कर पाई, फिर उसके बाद मेरा गैप भी हुआ, मैं हाई स्कूल से छोड़ के मैं दिल्ली जॉब करने गया, बीच में गैप हुआ, फिर भी मैं पढ़ाई करता रहा, संघर्ष करता रहा। मैंने आगरा कानपुर यूनिवर्सिटी से आगरा इटावा स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने बीए किया, फिर मैंने फिरोजाबाद अमरदीप पीजी कॉलेज से मैंने बीएड किया, फिर मैंने आगरा कॉलेज से एमए किया जी। तो लगातार मैं संघर्षों के बीच पढ़ता भी रहा और घर को भी लेके चलता रहा। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जब मेरी जैसी स्थिति का व्यक्ति बगैर माँ बाप के पढ़ सकता है, एक अच्छे परिवार से रिश्ता कर सकता है, घर मकान बना सकता है, तो गांव में सभी लोगों को जागरूक किया जाए एजुकेशन के प्रति और साहसी बनाया जाए, तो हर बच्चा पढ़ने की जिज्ञासा जागेगी और समाज और ग्राम और ये देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात रही कि इतनी समस्याओं का सामना करते हुए भी बलवीर जी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, संघर्ष किया, आगे बढ़े और आज देखिए बीएड, एमए और कई सारी, आई थिंक आप अभी एलएलबी की तैयारी भी कर रहे हैं। जी मैम, अभी मैं एलएलबी की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, पढ़ाई आपको कभी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई ही वही एक माध्यम बनता है जिससे आप कल को बदल सकते हैं। अब इनकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो मेरे ख्याल से कभी भी अशिक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि विशेष वर्ग के लोग मैंने सुना है कि ज्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं करते, आप भी इस चीज को मानते हैं? मैं मानता हूँ, ये सच्चाई भी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पे आप सोचिए कुछ पैसे वाले लोगों के जो प्रेजेंट में प्रधान है उनके भी प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जो 3,000-4,000 रुपए टीचर लेता है, 5,000 जो नॉन क्वालिफाइड है वो वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट, जहाँ सैलरी 50,000-60,000 मिलती है और क्वालिफाइड टीचर जाते हैं,
तो प्रधानों को उनसे फिक्सिंग होती है, कहीं मिड डे मील के नाम पे, कहीं कमीशन के नाम पे, तो उस पर जोर ना देके क्योंकि अपने स्कूल ना बंद हो जाए मेरे, और वो गलत तरीके से उनका वहाँ पे एजुकेशन सही मिल नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ गरीब विशेषकर दलित पिछड़े और कमजोर तबका, वहाँ किसी गरीब किसी भी सर्व समाज के, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी सर्व समाज के गरीब लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस पर ये पैसे वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं किसी तरीके से, मतलब उसमें पढ़ाई ना हो और लोग जागरूक ना हो, उनकी गलतियों को उजागर ना कर पाए, वो गलतियां करते रहे, जैसे उन्हें कोई नाली बनानी है तो उसमें उनकी गुणवत्ता खराब होती है, उनको आरसीसी बनवाते हैं तो वो बिल्कुल एकदम गुणवत्ता खराब होती है, टूट जाती है, या तो उन्होंने बनवाया नहीं है, या गलत एस्टीमेट, जैसे कोई काम हुआ है उसी को पास करवा लिया, पैसा निकाल लिया। उसके बाद मैम आप ये देखो कि गरीब लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेखपाल होता है क्षेत्र में, वो आता है वहाँ पे, लोगों की जमीनें दबी हुई हैं तो पैमाइश करने के लिए मना करता है, हाँ पैसा उसे जाके प्रधान से सेटिंग कर लेता है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है तो लोगों के छोटे छोटे कागजों की जरूरत होती है, जैसे आप देखिए आपको जरूरत पड़ती है प्रवासी नकल की, आपको कोई साइन करने की या सही आवास मिलने की, तो आवास जिसके पास ऑलरेडी है उसको गलत आवास मिल रहा है, जिसको जरूरत है तो प्रधान खास नहीं है तो उसे आवास नहीं मिल रहा है, वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो इस तरीके बहुत गलत, जैसे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल ये बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं। मेरे यहां पे प्रधान द्वारा एक आवास दिया गया जी। उस आवास को बना के लेंटर पे पहुंचाया जाता, मकान पहुंचा दिया तो प्रधान के सहयोग के द्वारा लेखपाल ने उस मकान को रोक दिया, जबकि वो ग्राम समाज की जमीन थी और उस पर कब्जा था एक व्यक्ति का, वहां जमा उसको मकान रोक दिया, फिर लेखपाल उस पर 25 से 30 हजार रुपए मांग रहा था, और प्रधान ने जब उस आवास को दे दिया, अगर उसको गलत अवैध था तो पहले ही क्यों नहीं रोका जब बनना था, सही बात, तो उसमें दलाली करने के लिए इन लोगों ने रोका, फिर मेरी बात हुई, मैंने शिकायत की, बात की अधिकारी तो उसका लेंटर डल चुका है। तो ये लगातार जो लेखपाल हैं ये लूटने का काम करते, जैसे आप ये देखो लेखपाल का काम होता है कोई चेकिंग करना, या कोई आपदा अभी कोरोना वायरस आया तो उसमें सही परिवारों को जानकारी देना, तो उन्होंने तरीके से जो प्रवासी आए तो उनकी सही जानकारी नहीं दी, चार लोग चार व्यक्ति वापस आए तो उसमें से दो की जानकारी सही, एक की दी तो सही से राशन नहीं आया जैसे उनकी जेब से जा रहा हो, तो लगातार उनको हर स्तर पे पैसा चाहिए, दलाली चाहिए, ये मेरे तो मैं प्रत्याशी, मेरी बाय प्रधान बनती है तो ये दलाली भट्टा मैम नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से निकला हूँ, मैंने सारी परेशानियां देखी हैं, गरीबी देखी है, आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ पूरी जनता के भरोसे लड़ रहा हूँ, ना मैं किसी को दारू पीऊंगा, ना पीने दूंगा, ना जुआ शराब ये काम बंद होंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य होंगे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। मेरे गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें आप देखिए ना उसे गांव को ये बताया जाता प्रधान द्वारा कि कौन वहाँ पे स्टाफ नर्स आती है या वहाँ डॉक्टर आता है, उसमें क्या मेडिसिन है, उसका कार्य क्या है, कुछ भी प्रधान द्वारा कोई भी अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती। अगर दीपशिखा जी ये जीतती हैं, प्रत्याशी अगर वो बनती हैं और चुनाव जीत जाती हैं, तो क्या ये वो सफल रहेंगी इन सबको सही करने में? बिल्कुल मैम, देखिए समस्या काफी सारी है, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, ठीक है, तो आप पक्का तैयार हैं अपनी तरफ से, कभी भी कहीं चूक तो नहीं होगी? नहीं मैम, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि उसका कार्ड बताता हूँ, जितने भी लेखपाल वो प्रधान बनते हैं, कहीं उनके मील चल रहे हैं, कहीं गोदाम चल रहे हैं, कहीं आड़त चल रही है, कोई बहुत बड़े बिजनेस है, किसी के स्कूल है कारोबार, मेरी एक प्राइवेट जॉब है, मैं उसे छोड़ दूंगा, बिल्कुल ठीक, मुझे गांव मैं तन मन धन से मुझे जाके गांव गांव जाके गरीबों को जागरूक करना है, उनके घर के जाके काम करना है, क्योंकि हमें उन्होंने अपना अमूल्य वोट देके हमें बनाया, हमारे ऊपर भरोसा जताया, तो मेरा काम है गांव गांव में जाके उनका काम करना, चाहे वो मोहर लगने के लिए काम हो, और दूसरी चीज अगर पंचायत में कोई भी कार्य होता तो पूरे गांव की मीटिंग ली जाएगी, जो पात्र व्यक्ति होगा गांव के लोग जो बताएंगे कि ये पात्र व्यक्ति उसे मिलना चाहिए वही काम होगा, और कि इसने वोट दिया इसने दिया इस नजर से नहीं, जो पात्रता की श्रेणी में आएगा कि ये आरसीसी यहाँ बननी चाहिए, ये नाली यहाँ बननी चाहिए, उसी तरीके से काम होगा। सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि ग्राम जिलों में मैंने देखा है कि जो कस्बा टाइप के जो जिले होते हैं उस जगह एक समस्या हम लोग ज्यादातर देखते हैं, शौच की जो समस्या, अभी जो मैं समस्या देख रही हूँ कि मतलब अभी तो घर घर टॉयलेट भी हो गया लेकिन फिर भी लोग इतना सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ भी ये समस्या मेरे ख्याल में होगी? ये एकदम कागजों में काम हुआ है, अच्छा। आपको जांच करना है तो कभी आप जाइए वहाँ पे सर्वे करिए देखिए,
ग्राम प्रधान द्वारा जो ईंट कई तरह की आती है आपको पता है, एक दोइम ईंट आती है, दोइम से बिल्कुल पीरा ईंट आती है बोलते हैं, बिल्कुल बेकार ईंट होती है, उससे बनवाया गया। अगर हमारी कोई बहन बेटी उसमें टॉयलेट करने लेटरिन करने अगर जाती है तो आप ये मान लो कि वहाँ पे वो गिर सकती है, कभी भी मौत हो सकती है। गाँव में जानवर होते हैं, अगर उसमें वो रगड़ दें तो उसमें अगर वो तुरंत गिर जाएगी, कई सारी गिर चुकी है। मैंने कभी वीडियो डाला भी था बीच में, तो फिर मैंने वो वीडियो को दिखाया लोगों को, तो पूरी तरीके से वो टूट चुकी हैं। कभी भी कहीं उनमें शौचालय बना है तो कहीं उसका क्या नाम उसमें भूसा भरा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं ठीक से नहीं किया, उसमें दलाली हुई है। उसमें आप गवर्नमेंट 12,000 रुपये देती है, अगर आपको उसमें प्रधान को दलाली नहीं चाहिए तो पूरा आप 12,000 रुपये का चेक दो उसे और उस पर दबाव बनाओ, नहीं बनाता उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ जो पैसा लेता है। हमें उम्मीद है कि दीपशिखा जी इन विषय पर बिल्कुल ध्यान देंगी और साथ ही बलवीर जी आप भी देंगे। कोई अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? मैम मैं विशेषकर सभी अपने ग्राम वासियों से और ग्राम पंचायत के सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि मैं सेवक के रूप में, मेरी वाइफ और मैं सब लोग आपका प्रधान बन जाऊंगा तो पूरा सहयोग तन मन घर से घर घर जाके और खास तौर से समाज में पूरी अवेयरनेस शिक्षा के प्रति, क्योंकि जो पढ़ लिख जाता है मैम उसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो घर मकान सब कुछ बना सकता है। ये लोग लालच देके 100-500 रुपए का जो काम करवाते दारू से पैसे से वो काम ना करें। आप गरीब व्यक्ति को, अपने भाई को, अपने बेटी को, बहू को, गरीब समाज से जो पढ़ी लिखी है उसको आगे बढ़ाएं और हम आपके बीच में जो काम करते रहें आपके सहयोग से आगे बढ़ें। देखिए दर्शकों, एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आई है, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। समाज बदलने के लिए बलवीर जी ने एक बहुत अहम कदम उठाया है, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, अर्धांगिनी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी आपसे अपील करती हूँ कि इन्हें चुनाव में जिताएं और ये जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं इनका सहयोग करें, वोट दें इन्हें जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं, विदा लेते हैं आप सभी से, फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य चीजों के साथ और अन्य विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।